उचड़ोद में सड़क निर्माण धीमी गति एवं पानी की निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने 2 घंटे तक चक्का जाम किया। एंकर बड़वन ताल सड़क 42 किलोमीटर मार्ग का कार्य गांव कुचड़ोद में कछुए की चाल से चल रहा। पिछले 7 दिनों से कार्य बंद है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी परेशान हो रहे। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को भी निकलने में काफी परेशानी हो रही। दिन में 8 से 10 वाहन सड़क किनारे उतर रहे, जिससे बार बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही व हादसे हो रहे। पानी की निकासी सही नहीं होने से मानसून की पहली बारिश में ही गांव में दूसरी बार पानी घरों में घुस गया, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। लगातार जारी समस्याओं को लेकर मंगलवार सुबह 11 बजे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। इस दौरान अफजलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शेरू शाह, पीयूष जैन, राजेंद्र सिंह, माधवीलाल पटेल, महेश गुजरिया, शंकरलाल राठौर, गोपाल भदानिया, सीताराम भदानिया आदि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में सड़क का कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है और RCC के ऊपर ही RCC का निर्माण करने से घरों में पानी घुसने की समस्या पैदा हो गई। 42 किलोमीटर मार्ग में किसी गांव में RCC के ऊपर RCC नहीं की गई। हमारे गांव में RCC के ऊपर RCC बनाने से पानी की निकासी सही नहीं है, जिससे घरों में पानी घुस गया। ठेकेदार द्वारा जानबूझकर कार्य में देरी की जा रही। अब बारिश के दिनों में वैकल्पिक मार्ग बंद हो गए, जिससे 8 से 10 वाहन रोज गिर रहे। ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप वाहन, 2 पहिया वाहन सड़क से नीचे उतर रहे और हादसे हो रहे। ठेकेदार जनता को गुमराह कर सड़क निर्माण नहीं कर रहा, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 घंटे तक चक्का जाम लगा दिया। तब ग्रामीणों का आक्रोश देख तत्काल पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी सहित ठेकेदार, PWD, SD ऑफिस एवं सब इंजीनियर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के आरोपों पर नायब तहसीलदार एवं पुलिस के समक्ष ठेकेदार के सामने प्रदर्शन किया व गांव से निकलने वाली सड़क का निर्माण अति शीघ्र करने, पानी की निकासी के लिए नालियां बनाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया। तत्पश्चात नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में यथाशीघ्र RCC निर्माण नालियों का निर्माण करने के लिए मांग की गई। चक्का जाम के दौरान शेरू शाह, कंवरलाल मेंगरिया, महेश गुजरिया, शंकरलाल राठौर सहित ग्रामीण एवं दुधड़का नायर, तहसीलदार सुनील डावर, मोजा पटवारी, राजेश मेहता, नितेश कुमार सुलिया, SDOP, PWD आलोट, CK काठेर, सब इंजीनियर, PWD आलोट, अफजलपुर थाना प्रभारी निरीक्षक मोहिनी परस्ते, प्रधान आरक्षक रमेश बंबोरिया, आरक्षक मयंक त्यागी सहित चौकीदार उपस्थित थे। राहुल पवार की रिपोर्ट, राजनीतिक हलचल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। दिया गया है और आपको भी एक ज्ञापन दिया गया है, तो क्या मांगे ग्रामीणों द्वारा की गई है और आपने क्या आश्वासन ग्रामीणों को दिलवाया? आज ग्रामीण जनों के द्वारा रोड बंद कर दिया गया था, तो संबंध में रतलाम डिवीजन के SDO साहब और चंद्रजन साहब यहीं पर थे, उनसे बातचीत हो गई है। और जो ग्रामीणों की मांगे थी, एक तरफ तो कंक्रीट भरा जाए, नालियाँ सही बनाई जाए और जो रास्ता यहाँ से बंद कर दिया वहाँ चालू किया जाए, तो उस पर विचार करके और इनसे सहमति बना के आज का बोला उन्होंने, आज और कल तक का बोला है, तो कल तक रोड चालू करके काम चालू कर देंगे। जी, ये RCC के ऊपर RCC बनेगी, उस विषय में भी ग्रामीणों ने ठेकेदार को और आपको अवगत कराया, उसके ऊपर क्या है, 42 किलोमीटर जो सड़क बनी, कहीं भी किसी भी गांव में RCC के ऊपर RCC नहीं है, सिर्फ यहाँ बनाई है, क्या कारण रहा? RCC के ऊपर RCC के संबंध में मैं SDO आपसे बातचीत कर लूँगा, ऐसा क्या कारण रहा है कि उनको बनाना पड़ेगा, ये अलग विषय है, SDO साहब से बात करें। पानी की निकासी के संबंध में, पानी की निकासी के संबंध में चूँकि अभी आज का केवल ये बात हुई कि जो रोड बंद पड़ा उसको चालू किया जाए, तो रोड नाली निर्माण के संबंध में पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है और स्थानीय स्तर के जो कुछ जो वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं उनसे बात करके नाली की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। द्वारा रोड को रोका गया था और धरना प्रदर्शन किया गया था, तो रोड पर काफ़ी निकासी नहीं है, जो बाईपास दे रखे खेत में वो भी बंद हो गए हैं, निकलने में काफ़ी परेशानी आ रही है, जिसको लेकर यह रोड रोका गया था, तो आपने क्या
आश्वासन दिया गया। अभी जो अपन ने पीछे का काम किया सेंटर में, उसके अपन एक साइड में मुरम डलवाएंगे अभी, और उसके दूसरे साइड में अपन पीछे का काम करेंगे, इससे ट्रैफिक अपना नहीं करेंगे। 42 किलोमीटर सड़क मार्ग है ताल से बढ़वा तक, किसी भी गांव में आरसीसी के ऊपर आरसीसी नहीं की गई, सिर्फ कुछड़ोद गांव में। आखिर क्या कारण रहा? इसका कारण ये है कि यहाँ पे बहुत जगह पे जगह कम थी, और यहाँ पे क्या है कि पोकलैंड भी नहीं चल सकती थी, जगह की उपलब्धता और नीचे पाइपलाइन भी डैमेज नहीं हो जाए, इसको देखते हुए अपन ने पहले हर जगह पूरे सर्वे करके एक एक फीट अपने मार्क किया था, ताकि घरों में घरों से ऊपर नहीं हो जाए। उसके बाद इनमें काम किया। ग्रामीणों की अब शिकायत है कि आरसीसी ऊंची होने के बाद हमारे घरों में पानी घुसेगा, आपका क्या कहना है? वर्तमान में जो अपन हाइट वो सभी जगह और उसके साइड में अपन ने नाली के लिए जगह भी छोड़ी है, जो छोटा मोटा पानी आता है वो निकल जाएगा, और आगे भी कहीं पे अगर पंचायत हमको ज़मीन उपलब्ध कराती है तो अपन पानी की निकासी के लिए नाली बनाएंगे। धरना इसलिए कि गाँव वालों को काफ़ी समस्या आई थी, रोड अगर सही नहीं बनाया गया था, उसके बाद हमने धरना दिया, काफ़ी लोग हमको सहमति दी, उसके बाद तहसीलदार साहब आए, पटवारी साहब आए, इनने मामले को मशक्कत में लिया और हमें अवगत कराया कि जल्दी से जल्द काम होगा, और आए और दाएँ की साइड जो खाली थी उन पर मोहरम डाल के काम किया जाएगा। कितने दिन का बताया आपको? उन्होंने 15 दिन का बोला, 15 दिन में सारा काम कंप्लीट किया जाएगा। पूरे गांव में? पूरे गांव में नहीं, पूरे गांव में समय लगेगा, लेकिन जो अभी काम हुआ है उसका काम होगा, मंदसौर होगा। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि पानी की समस्या? पानी की समस्या तो बहुत है, जब तक नाली का निकास नहीं मिलेगा जब तक तो पानी की समस्या खत्म नहीं होगी। जी, धन्यवाद।